एंग्लो सिख युद्ध दे विच मुदकी अते फेरू शहर दी जंग खालसा फौज जित दी गदारा करके हार गई। इस हार करके महाराणी जिंदा ने फिर बुढ़े जरनैल शाम सिंह अटारी नू याद कीता। दसदे ने घोड़ सवार महाराणी जिंद कौर उन्हां दी चिट्ठी लैके सरदार शाम सिंह अटारी दे कोल पहुंचदे ने। अटारी पिंड विद्वान लोग जानते ने, ढाडी शीतल जी हुणा ने बाकमाल इस चिट्ठी दे बोल प्रगट कीते ने। चिट्ठी लिखी महाराणी ने शाम सिंह नू, बैठ रहो की चित विच धार सिंगा, दोवें जंग मुदकी फेरू शहर वाले सिंह आए अंग्रेजां तों हार सिंगा, कानू हार दे क्यों मेणे जग दिंदा, ज्यूंदी हुंदी जे अज सरकार सिंगा, तेगा सिंगा दी तां खुंडी नहीं हो गई, ऐ पर अपने हो गए गदार सिंगा, देश त्रोही वजीर जरनैल रल के वेख कौम दा मुल की पा रहे ने, चाई चाई गुलामी दियां बेड़ियां पा ओह पंजाब दी अणख मिटा रहे ने। अगे महाराणी जिंदा लिख दी है, हुण वी चमकी ना जे सिंगा तेग तेरी, ता फिर सारे निशान मिटाए जासन, तेरे लाडले कौर दी हिक उते कल नू गैरां दे झंडे चुलाए जासन। पुत शेरे पंजाब दी मड़ी ताई, पुत शेरे पंजाब दी मड़ी ताई ओदे पैरां विच फुल रलाए जासन, बदली जिन्ने तकदीर पंजाब दी सी ओदी आत्मा नू तीर लाए जासन। वैराग दे बोल प्रगट हुंदे गए, अजे समा है वक्त संभाल सिंगा, रुड़ी जांदी पंजाब दी शान रख लै, लैंदी दिसे रणजीत सिंह दी पग मैनू, मोए मित्र दी योधिया आन रख लै। जदों बोल बाबा शाम सिंह अटारी ने पढ़े, कहिंदे अखां दे विच लहू उतर आया, डौले फरकण लग पए, सिंघां दे नाम रुका लिखदा है, आओ महाराजा रणजीत सिंह दी मड़ी दी लज पालीए। रुके सिंघां नूं पहुंच जांदे ने, मर्द दलेर तुरन लई तैयार होया, अपनी घरवाली माई देसां नूं तलवार दा खाली म्यान दे के सूरे ने आखिया, जे मैदाने जंग नूं फतेह करके आ गया ते इस खाली म्यान दे विच तलवार पावांगा, ते जे मैदान ना मारिया गया पिठ नहीं विखावांगा शहीदी पावांगा, आउण वालियां मेरियां नसलां नूं खाली म्यान दिखा दई भी तुहाडा वड्डा वडेरा सिख जगत लई आपा वार गया ए, ये चंग्याड़ी किधरे राज भाग प्राप्त करन दी मेरियां नसलां चों बुझ ना जावे।